नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं चमोज। वक्त हो गया है खबरों का। महाराष्ट्र के चंद्रपुर एसपी अरविंद सालवे की फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की गई, इसके बाद कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। इस आईडी से अलग अलग तरीके से लोगों से पैसे की मांग भी की जाती थी। जब इसकी जानकारी एसपी को हुई तो मामले की जांच शुरू कर दी गई। थाना रामनगर में एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वालों की तलाश में जुटी हुई है। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद्र सालवे की फर्जी फेसबुक आईडी ने पुलिस महकमे में बवाल मचा कर रख दिया है। ये फर्जी आईडी किसने बनाई है, इस मामले में साइबर टीम भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी के नाम से बनाई गई इस फर्जी फेसबुक आईडी से पहले कई लोगों को जोड़ा गया। किसी को शक ना हो, इसके लिए अपराधियों ने एसपी की फेसबुक आईडी का बेहद ही बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाद हूबहू असली आईडी की तर्ज पर फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की गई। पुलिस अधिकारी की फर्जी फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट जब लोगों के पास पहुंची तो इसे असली समझकर लोगों ने तुरंत ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके बाद वसूली का खेल शुरू हो गया। पुलिस अधिकारी की फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों को मैसेज भेजे जाने लगे। इस मैसेज में विभिन्न कारण बताते हुए लोगों से पैसे की डिमांड की जाने लगी। गूगल पे और फोन पे पर रुपए भेजने के लिए कहा जाता था। कुछ लोग इस फर्जी आईडी के झांसे में आ गए, लेकिन कुछ ने इस मामले की शिकायत एसपी से ही कर दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस की साइबर टीम ने इस मामले में छानबीन भी शुरू कर दी। एसपी अरविंद सालवे का कहना है कि उनकी फर्जी आईडी तैयार कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। आईटी एक्ट के तहत थाना रामनगर में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले के तहकीकात में जुटी हुई है। तो ये थी हमारा आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए चमोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और यदि आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।